आलू का पराठा। इट्स रियली गुड आउट फॉर मी, आई लव शेयरिंग दिस बिकॉज़ आई कांट काइंड इसमें है या कहीं और है देखते हैं। Have to see, I have to check whether I have my earrings in this. ये तो अंगूठी है। Earrings. Yes, earrings भी है इसमें। हम ये इयररिंग अपने कान में डाल लेते हैं। सो ये इयररिंग आज हम डाल लेते हैं कान में, क्योंकि कल याद है वो मैंने दिखाया था कि जो आया था इयररिंग सेट वो हम कल कान में डाले ना, देन आई रियलाइज्ड कि ये धीरे धीरे बंद हो रहा है और मुझे वो बहुत ही पतला सा था, स्टिल मुझे कान में डालने में बहुत दिक्कत हुई, तो हम ये इयररिंग्स पहन लेते हैं। आई रिमेम्बर जब मेरा शादी होने वाला था तो मेरा कान का ये जो था छेद ये बहुत छोटा सा था, तो अब शादी में क्या होता है आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हो ना और उसका जो होता है पीछे से जो पेच होता है वो काफ़ी मोटा मोटा होता है ना, मतलब उसको डालने में मतलब आर्टिफिशियल पहनने में हमको दिक्कत होती है क्योंकि बहुत छोटा सा है ना ये छेद तो अंदर जाता नहीं है। तो फिर हम कुछ महीनों के लिए चाची की वो था, चाची की हैवी वो था गोल्ड रिंग इयररिंग्स, ठीक है, तो वो हैवी था तो वो हम पहने थे ताकि वो थोड़ा सा है ना छेद बड़ा हो जाए, मतलब तब तक जब तक कि मेरा वो मतलब जब तक शादी का टाइम आए तब तक वो होल बड़ा हो जाए। ये हम इसलिए भी निकाल के रख दिए हैं ना, एक तो हमको पहनना वहना कुछ खास पसंद नहीं है, दूसरा ये ऑटोमेटिकली खुल जाता है कभी कभी तो इसका बहुत ध्यान देना पड़ता है, लेकिन अभी मेरे पास चॉइस नहीं है, इसको डाल ही लेते हैं कान में। आओ इसको डालने के अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, डाल लेते हैं। और इनफैक्ट कल हम कान में पहने थे जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, जितने देर हम दिखा रहे थे कैमरे में बस उतने देर के लिए हम पहने थे स्टिल, लेकिन अभी मेरे कान में हल्का हल्का दर्द है, तो आर्टिफिशियल जब हम पहनते हैं ना तो मेरे कान वान में थोड़ा सा दर्द होने लगता है, और कल तो हमको लग रहा है इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरा ये जो कान का छेद है वो आओ। आज हमको पैकिंग करना है क्योंकि कल हमको गोरखपुर जाना है, तो हम सोच रहे हैं पैकिंग भी कर लें, और हमको इस बार जितनी भी मेरे पास साड़ी है जो कि हम पहनते नहीं हैं यहाँ पे पड़ी हुई हैं फालतू की, वो सब हमको घर छोड़ के आना है, घर पे ही हम रख के आ जाएंगे उसको। बता दीजिए मेरा ये इसको खुलवाने में इसको इसमें सामान है ना, इसमें है शायद सामान, इसको कहाँ है इसका चेन कहाँ है, उधर है क्या, इधर है। ये सूटकेस निकल दीजिए सर, एक हाथ से हो नहीं रहा हमसे, हम पकड़े हुए ना कैमरा, इसको निकालना। हाँ हाँ निकाल दीजिए इसको। थैंक यू दीदी, इसको हम ले जा रहे हैं, ये इसको यही बाहर ही रहने दीजिए, हम इसको लेके जाते हैं, इसको बंद नहीं करते ऐसे ही लेके जाते हैं बस। हाँ दीदी सम ब्यूटिफुल साड़ीज, इस साड़ी में मेरी विदाई हुई थी, ये साड़ी नहीं रखेंगे घर पे, ये साड़ी में मेरा विदाई हुआ था, और मेरा लहंगा तो घर पे ही है। और ये सब साड़ीज़ हैं, इसमें से कई सारी साड़ी तो हम आज तक पहने ही नहीं हैं,
क्योंकि मेरे लिए काफ़ी भारी हैं साड़ी, तो हम पहने नहीं हैं, लेकिन यस आएगा टाइम जब हम वो भी पहनेंगे। आई लाइक दिस साड़ी, मुझे पसंद है। सब साड़ी मैंने डाल दिया है, बंद तो हो ही जाएगा, तो सोचना है इसमें और क्या रख सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें डाल के इसको बंद कर देता हूँ। दिस बैग इज़ पैक्ड। यहाँ पे कुछ साड़ीज़ रखी है जो कि हम शायद अपने पास रखेंगे, इसको नहीं लेके जाएंगे, इसको हम बाकी साथ को पैक कर दिए। सो आई हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल साड़ी, इसका कलर मुझे बहुत पसंद है, ये शिप्रा लेकर के आई थी, और इसको हम तीज में पहनने का सोच रहे हैं, इसमें फॉल पिको वगैरह सब कुछ हो रखा है। इसके लिए मुझे पेटीकोट लेना होगा, पेटीकोट नहीं है मेरे पास, ब्लू है लेकिन हमको अभी मिल नहीं रहा है, इतनी सारी चीज़ें थी ना उसके बीच में, हम ढूंढे लेकिन मुझे मिला नहीं, इसके लिए लेना पड़ेगा दूसरा। मुझे लगता है ये साड़ी बहुत अच्छी भी लगेगी, है ना, अच्छी लगेगी ना, बहुत सिंपल साड़ी है, मुझे ऐसी सिंपल साड़ी ठीक लगती है क्योंकि ये हमसे संभाल पाती है, और बाकी जो बहुत थोड़ी सी हैवी साड़ी होती है वो थोड़ा संभालना मुश्किल होता है। तो इसको हम तीज में पहनेंगे, तीज आई थिंक सितंबर में है, तो या आप सब लाए थे, थ्रेडिंग बन गया, फेशियल हो गया, अभी हम नहाए नहीं हैं, हेड मसाज भी हो गया, ठीक बनाए, मेरा आईब्रोज एक्चुअली ख़राब हो गया था लेकिन इसने ठीक बना दिया, इसने ठीक कर दिया, इसने इक्वल कर दिया, इसके पहले मेरा आईब्रो इक्वल नहीं था। इनफैक्ट जब मम्मी से वीडियो कॉल कर रहे थे तो मम्मी कह रही तुम्हारा आईब्रो सही बना नहीं है, हम कहे हाँ गड़बड़ हो गया, अब इसको एक दो बार कराने के बाद वो ठीक होगा, तो चलो फाइनली, लेकिन अभी ठीक हो गया, पहले से काफ़ी बेटर है, मतलब पहले तो बहुत ही ज़्यादा विजिबल था, एक मोटा था एक पतला था, और एक ऊपर था एक नीचे था, ब्लंडर टाइप का था। मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया है और हम कपड़ा धोए हैं बहुत सारा, मेरे हिसाब से वो बहुत सारा था, और बहुत दिन बाद हम ऐसे हाथ से कपड़ा धोए, मेरी तो बैंड बच गई, एकदम पसीना पसीना हो गया, हम बहुत बुरा हाल हो गया मेरा, लेकिन ठीक है, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई तो क्या कर सकते हैं, अभी तुरंत से तो हाथ में ही धो हाथ से ही धोना पड़ेगा क्योंकि कल हम लोग को जाना भी है, तो इसलिए कपड़ा धोना पड़ा। फिलहाल हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसके आगे हम ब्लॉग हमको नहीं लगता कर पाएंगे, खाना खा के सो जाएंगे, या इसी के साथ एंड करते हैं इस ब्लॉग को, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।